फैमिली आ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मैं आपको दिखाती हूँ सुबह का सांगला वैली का व्यू। तो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होने, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोग सोच ही रहे होने कि मैं सुबह सुबह वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आज मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ यूनिक सा बनाने वाली हूँ जो आप लोगों के भी काम आएगा। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, इसलिए मेरे वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही टेस्टी और यम होती है। कभी कभी हमें कुछ अलग सा खाने का भी मन करता है, तो इसलिए मैंने कुछ आज सोचा कि अलग सा ही बनाऊँ। तो गाइज़, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। मैंने कुछ चीज़ें कट करके रखी हुई है। शिमला मिर्च, ये है लहसुन, और ये है गाजर, और ये है मक्की। आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा कि मक्की क्या होता है, मक्की के दाने, है ना। और ये है काली मिर्च जिसको मैंने कूट दिया है, और ये है रेड मिर्च जिसको मैंने कूट लिया। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि आगे आगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो गाइस, पहले हम लोग कढ़ाई लेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज बना रही हूँ वाइट पास्ता, देख सकते हो आप। तो मेरे पास जितना पास्ता का क्वांटिटी है, मैंने उस हिसाब से पानी लगाया हुआ है। और पानी के साथ जैसे पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, उसमें हम लोग थोड़ा तेल भी लगाएंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। जब तक हमारा पानी बॉईल होता है, तब तक साथ ही साथ हम यहाँ पर एक पैन लगाएंगे, इसमें हम तेल लगाएंगे। देख सकते हो मैंने पैन लगाया हुआ है, इसमें हम तेल लगाएंगे। और मैंने इस कढ़ाई में भी तेल ऐड ऑयल ऐड कर दिया है। हाँ, तो गाइज़, मैं आप लोग को बता रही थी कि मैंने इस वाटर में ऑयल ऐड कर दिया, और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे, नमक। देख सकते हो आप गाइज़, मैं इसमें सॉल्ट मिक्स कर रही हूँ। जितना आपने क्वांटिटी लगाया उसके हिसाब से। अब जो मैंने पैन लगाया है, इसमें हम लगाएंगे। सबसे पहले डालूंगी मैं लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा थोड़ा भून देंगे। डालेंगे हम शिमला मिर्च। गाइज, मैं आज अकेले शूट कर रही हूँ तो इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है। देख सकते हो, लहसुन के बाद डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च, गाजर, और इन तीनों के बाद डालूंगी मैं कॉर्न, मक्की के दाने। और आप देख सकते हो, अब मैं इनको 10 से 15 मिनट धीमी आंच में भूनने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची बने। यहाँ पर दूसरी ओर आप देख सकते हो मेरा पानी बॉईल हो चुका है, और ये जो पास्ता है मैं इसमें डालूंगी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो मैंने ये आपको दिखाया था कि मैंने कैसे भूना है इसको, हम इसको धीमे आंच में भूनेंगे। और इधर से सेम इधर वाले गैस में मैंने जो हमारा पास्ता है इसको पानी में बॉईल करने को रखा हुआ है। अब देख सकते हो, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे सर वीडियो में एंड तक बने रहे, तो मैं आपको बताऊँ कि वाइट पास्ता कैसे बनाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो ये मैंने भुने हुए थे कितने क्रंची टाइप हो गए हैं। थोड़ा मुझे इसमें टाइम लग रहा है, बस ये भी अब पक ही गए हैं समझो। लोग एक और कढ़ाई चढ़ा देंगे, और ये है मेरे हाथ में बटर, हम इसमें बटर लगाएंगे। मैं आपको आगे आगे बताती हूँ और क्या क्या लगाना है। तो हमने इसमें पुट किया है बटर, इसको थोड़ा पिघलने को देंगे, इसको हम थोड़ा पिघलने को देंगे। बटर के बाद एज सेम टाइम हम इसमें डालेंगे मैदा। देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि
बटर में मैंने मैदा डाला है। इसमें जो गुठलियाँ होती है वो नहीं पड़नी चाहिए, हम इसको ढंग से क्रश करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें बटर और मैदा लगाया था। अब मैं इसमें पुट करूँगी मिल्क। देख सकते हो मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है, ये हमारा व्हाइट सॉस का काम करता है। जो ये चीज़ें ये गुठलियाँ हमें कौन से करनी पड़ेगी, आप लोग देख सकते हो मैंने ये निकाल दिया है छान के, और यहाँ पर हमारा ये भी बन रहा है धीरे धीरे। आप लोग देख सकते हो कि मेरा व्हाइट सॉस तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी जो इसका टेस्ट अच्छा करती है। इसके बाद मैं पुट करूंगी इसमें रेड चिली जो मैंने कूटा था। देख सकते हो आप कैसा कलर आया है। इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे जो हमने भुना था। बहुत ही सुंदर दिखता है। और अब हम इसमें पुट करेंगे जो मैंने ये पास्ता बॉईल करा था। अब पास्ता हम इसमें लगा देंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि इसके कैसा कलर आएगा लास्ट में। और गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। लास्ट हमारा हम इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट लगाएंगे। सॉल्ट मतलब नमक। अब मैं इसमें गाइस पुट करूंगी थोड़ा सा मेयोनीज ताकि थोड़ा सा मीठा सा टेक्सचर आए। देख सकते हो लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। गाइस अब मैं भी टेस्ट करती हूँ कि कैसा है। बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग घर में ट्राई करना। कभी कभी हमें अलग सा चीज़ भी खाना चाहिए। हमें बहुत ही टेस्टी बना है। तो हमारा तो साथ ही सफ़र चलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।